मंदसौर में सावन के अंतिम सोमवार को शिवालयों में भक्ति की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में भी सुबह से ही भक्त बाबा का दर्शन करने पहुंचे। सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार भी किया गया। रामूनाथ नाहरगढ़ पूर्व सरपंच तहसील सीतामऊ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। राजू धनगर पेंटर गांव मंगराना तहसील मल्हारगढ़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। ओमगिरी गोस्वामी समाज सेवी नाहरगढ़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सावन के अंतिम सोमवार को शिवालयों में भक्ति की भारी भीड़ देखने को मिली। मंदसौर के भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में सुबह से ही भक्त बाबा दर्शन करने पहुंचे। सावन के अंतिम सोमवार पर भगवान पशुपतिनाथ का विशेष श्रृंगार किया गया, लेकिन हर वर्ष निकलने वाली शाही सवारी को कोरोना के चलते छोटे रूप में निकाला गया। शाही सवारी से पूर्व जिला कलेक्टर मनोज पुष्प और एडिशनल SP अमित वर्मा ने रथ में सवार पशुपतिनाथ भगवान की पूजा अर्चना की, साथ ही भगवान के जल्द कोरोना महामारी को खत्म करने की मनोकामना की। सोमवार इसलिए काफी स्नान प्रदान रहे और भगवान पशुपतिनाथ जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। भगवान को सापेक्ष रूप से अनुदान करके दूल्हे के रूप में सजाया गया है और आज चौथा सोमवार है, आज काफी स्नान भी प्रदान रहे हैं और चूंकि सवारी है इसलिए सवारी का धन्यवाद। भगवान पशुपतिनाथ की शाही सवारी निकलती रही है और पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ इस वर्ष भी आयोजन किया गया है। कोरोना के कारण इसका रूट जरूर छोटा कर दिया गया है, लेकिन लोगों के उत्साह में कोई कमी नहीं है। भगवान पशुपतिनाथ से हम लोग ये आशा करते हैं कि उनका आशीर्वाद आएगा और कोरोना की ये महामारी से हम दूर जाएंगे और आने वाले वर्षों में इसी तरीके से और अधिक उल्लास के साथ और पूरे रूट पर भगवान की सवारी निकलेगी। भगवान जय महादेव। भगवान पशुपतिनाथ आरती मंडल द्वारा विगत 26-27 सालों से सावन के अंतिम सोमवार पर एक शाही सवारी का आयोजन किया जाता है, पर विगत 2 वर्षों से कोरोना के कारण ये सवारी नगर भ्रमण न करते हुए यहीं भगवान को अभिषेक करके रथ पर श्रृंगारित करके सुबह 11 बजे संतों द्वारा आरती की गई थी और ये प्रोग्राम अभी दिन भर चलेगा। नासिक के, बॉम्बे के, मंदसौर के ढोल बैंड द्वारा यहीं सब कार्यक्रम चल रहा है और लोग दर्शन का लाभ रहे हैं। धर्मेंद्र धनगर जिलाध्यक्ष ऑल इंडिया धनगर समाज महासंघ की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अविनाश श्रीवास्तव थाना प्रभारी नारायणगढ़ की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गौरव लाल चौकी प्रभारी बूढ़ा की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। दशरथ सिंह चंद्रावत थाना संयोजक की ओर से सभी क्षेत्रवासियों एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। बॉबी मोबाइल सेंटर टूंडला की ओर से सभी देशवासियों एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। श्यावलिया मोबाइल व श्री बालाजी मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक नापाखेड़ा तहसील मल्हारगढ़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।
ललिता बैरागी आशा कार्यकर्ती सतन पीपलिया तहसील मलारगढ़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सूरज धनगर तहसील मीडिया प्रभारी धनगढ़ समाज रतन पीपलिया मल्हारगढ़ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। रीना ठाकर सीएच विकासखंड सीतामऊ की तरफ से समस्त देश एवं क्षेत्रवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं।